नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपको स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बुक यू शीट नाउ पे। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञाति हो गया होगा, मालूम ही हो गया होगा कि आपकी जो रिवाइज कट ऑफ है फॉर नीट, किसी एस्पिरेंट्स जो भी जितने सारे डॉक्टर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, जो आपकी कट ऑफ आई थी पहले, बट जो अब जो रिवाइज कट ऑफ आई है उसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। एंड जो उसकी कट ऑफ आई है उसमें काफ़ी डॉक्टर्स एलिजिबल हो गए हैं, और जो अब लिमिटेड सीट्स बची हैं फॉर MD MS, आप लोग को मालूम ही होगा 6000 प्लस सीट्स वैकेंट रहे हैं सिर्फ। एंड जो अब आपके एस्पिरेंट्स हैं उस सीट्स पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 24,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स और एडअप हो गए हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि यहाँ पर जो सीट्स वैकेंट हैं वो सब आपकी अधिकतर मैनेजमेंट और NRI की सीट्स अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि राउंड 1 राउंड 2 में अधिकतर आपकी प्राइवेट सीट्स फेल हो जाती हैं, एक तरीके से ये कह लीजिए, ठीक है। तो जितनी भी अब वैकेंट बचती हैं मॉपअप तक, वो आपकी मैनेजमेंट सीट्स और NRI सीट्स ही वैकेंट बचती है। बहुत कम ही कॉलेजेस होते हैं जिनकी प्राइवेट सीट्स आपकी थोड़ी सी वैकेंट रह जाती हैं, एक दो सीट्स वैकेंट हैं, वो भी आपकी फिलअप हो जाती हैं जितनी जल्दी हो पाए, ठीक है। क्यों वो वैकेंट रह जाती हैं? क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उस सीट्स के लिए अपग्रेडेशन में डालते हैं या फिर आपका वो सीट्स छोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए वो सीट्स वैकेंट बच जाती हैं, तो वो भी आपकी फिलअप हो जाती हैं, आपको मालूम ही होगा। बट जो मेनली सीट्स मैट्रिक्स हैं वो आपकी NRI की सीट्स और मैनेजमेंट की सीट्स आपकी अवेलेबल हैं फॉर MD MS, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग होगी, ठीक है। मेनली जो हम आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो CPS और FCPS के रिगार्डिंग है, कि जैसे कि पता ही होगा सबको कि CPS और FCPS का क्रेज़ इस टाइम बहुत ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले तो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही पता रहता था कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, छत्तीसगढ़, जहाँ पर आपका पहले रिकॉग्नाइज था, वहीं के लोगों को पता रहता था कि आपकी CPS भी FCPS नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चीज़ बहुत वास्ट चीज़ में फैल गई है और सारे अधिकतर कैंडिडेट्स को पता ही चल गया CPS और FCPS के बारे में, तो उसके रिगार्डिंगली आपका कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है, एंड जो कट ऑफ गिरी है उसमें भी काफ़ी एलिजिबल बच्चे हो गए हैं। जो बच्चे आपकी MD MS जिनको नहीं मिलता या उनका इतना बजट नहीं होता कि वो MD MS की मैनेजमेंट सीट्स हैं या NRI सीट्स ले पाएँ, तो फिर वो अपना CPS या FCPS के लिए स्विच करते हैं, ठीक है। तो CPS और FCPS के आपको मैं बताऊँ, जैसे कि जो रिवाइज कट ऑफ आई है वो आपकी 210 आई है फॉर SC ST UBC, एंड फॉर जनरल इट्स अराउंड 247 जैसे कि आई है, आपको मालूम ही होगा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। तो इसमें क्या है कि आपके एलिजिबल स्टूडेंट्स और हो गए हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस हैं उसके लिए और कंपटीशन हाई हो गया है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अगर आप लोग में से कोई भी एडमिशन लेना चाहता है CPS या FCPS में, रिकॉग्नाइज ब्रांच या नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांच, जैसे कि बच्चे क्या हैं, अगर बाहर के बच्चे हैं, आसाम के हो गए, आंध्र प्रदेश के हो गए, कर्नाटका है, UP है, इधर के बच्चे हो गए, पंजाब के साइड के बच्चे हो गए, वहाँ पर तो आपके बच्चे रिकॉग्नाइज ही ब्रांच लेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज ब्रांच आपकी ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहती है, ठीक है, कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो नॉन रिकॉग्नाइज ब्रांचेस हैं वो भी बच्चे लेते हैं, बट वो लोग लेते हैं जो जिनके स्टेट में आपका CPS और FCPS एलिजिबल होता है, या कह दीजिए कि मान्यता मिली होती है कि उस स्टेट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको उत्तर प्रदेश और कर्नाटका भी एडप्ट हो गया है, बट अभी वो एडप्ट नहीं हुआ है, उसको भी कम से कम अभी 1 साल और लगेगा। पेटिशन फाइल हुई थी, उसमें कोई अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, ठीक है, 1 साल में अंदर मेरे ख्याल से वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप CPS की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको वो पेटिशन मिल जाएगी। अप्रूवल का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये है कि 1 साल में उसका भी अप्रूवल आपको आ जाना है, ठीक है। तो CPS में या FCPS की बात करते हैं तो इसमें रिकॉग्नाइज ब्रांचेस आपको मालूम ही होगा, DCH है, DGO है, DPB है, और अगर हम FCPS की बात करते हैं उधर आपकी मेडिसिन आ जाती है, सर्जरी आ जाती है, मिडगाइनी आ जाती है, ठीक है, और आपकी चाइल्ड हेल्थ आ जाती है, ऑप्थल आ जाती है, और डर्मा आ जाती है, ठीक है। ये सब लिमिटेड सीट्स होती हैं, अगर कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाह रहा हो, अगर उसको ठीक ठाक है, एलिजिबल है, मतलब आपको पता ही होगा कि एलिजिबल स्टूडेंट्स का ही इधर एडमिशन होता है, ठीक है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर पूरी सहायता की जाएगी। अगर
इसमें एडिशन लेना चाहते हैं या जो भी स्कोर है आप उसके रिगार्डिंगली आप हमसे पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डॉक्टर्स का कॉल आता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंगली ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हर चीज़ तो आपको बताना पॉसिबल नहीं होता ना, कि अगर आपको जैसे कि हर चीज़ जाननी तो आप पेड काउंसलिंग ले लीजिए, हम आपको हर चीज़ बताएंगे कितनी क्या सीड मैट्रिक्स है, कितना क्या है, ठीक है, तो चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं हर चीज़ पे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि हर चीज़ आपको ऐसी मिल जाए तो वो तो बहुत पॉसिबल इम्पॉसिबल सा होता है ना हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग को भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी, एंड आपका मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर CPS या FCPS या अदर कोई BMD MS की भी मैं बात करता हूँ, अगर वहाँ पर भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, पूरी सहायता की जाएगी। अगर बजट अच्छा है तो MD MS के लिए आप स्विच करिए, ठीक है, बजट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप CPS FCPS के लिए देख सकते हैं। रिकग्नाइज नॉन रिकग्नाइज ब्रांचेस आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसमें हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कौन सी ब्रांच रिकग्नाइज है और कौन सी नॉन रिकग्नाइज ब्रांच है, ठीक है, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। तो मेरे आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कोई अदर टॉपिक के या कोई अदर अपडिग्रेशन के बारे में, जब कोई अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंगली हम बात करेंगे। एंड अगर या UG के भी बच्चे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर UG के बच्चे देख रहे हों, अगर UG का कोई वीडियो चाह रहे हों किसी के रिगार्डिंग, किसी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो वो हमसे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।